चार साल के इस बच्चे ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया हो गई फैन, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। इस दुनिया में कब कौन क्या कमाल कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार तो बच्चे भी ऐसा धमाल मचाते हैं जिससे पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। चार साल के एक बच्चे ने कुछ ऐसा ही कमाल किया जिससे उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, इस बच्चे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे ने ऐसा कमाल क्या किया भाई, तो हम आपको बता देते हैं कि महज चार साल की उम्र में इस बच्चे ने एक किताब लिख दी है। तो आइए जानते हैं क्या है वह पूरा मामला। इस बच्चे का नाम सैयद रशीद अलमहरी है और इसकी उम्र 4 साल 218 दिन है। हाल ही में इसकी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है द एलिफेंट सीड एंड द बियर। इस किताब में दो जानवरों की कहानी है। इस किताब की अब तक 1000 कॉपियां बिक चुकी हैं। इस उपलब्धि के कारण सैयद का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। कमाल ये है कि पूरी दुनिया में सैयद की चर्चा हो रही है और लोग उसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि अपने परिवार का वह पहला सदस्य नहीं है जिसने इस तरह की उपलब्धि हासिल की। सैयद अपनी बहन से प्रभावित है जिसने काफ़ी कम उम्र में बाइलिंगुअल किताब लिखी थी। अपनी बहन से काफ़ी प्रभावित हैं सैयद। साथ में ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रभावित यानी कि मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सैयद की बहन अलदहा भी दुनिया की सबसे कम उम्र की बाइलिंगुअल किताब लिखने वाली लड़की है। जिस वक्त उसने ये किताब लिखी थी उस वक्त उसकी उम्र 8 साल 239 थी। अलथापी ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा था। सैयद का कहना है कि वह अपनी बहन से काफ़ी प्रभावित है और उसके साथ हर काम करना उसे काफ़ी अच्छा लगता है। सैयद की किताब की लोग काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं और उसकी सोच की भी तारीफ हो रही है। आज के न्यू जनरेशन बच्चों का दिमाग भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। हमारे ज़माने में ऐसी सोच तो बहुत ही नामुमकिन था। क्या आपके बच्चे में ऐसी कोई काबिलियत है या फिर आपने कुछ अपने बचपन में ऐसा कुछ किया था, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज़ खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।